दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंप्लेंट और एफआईआर क्या होता है और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 2D में कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है, लेकिन वहीं सीआरपीसी के किसी भी सेक्शन में एफआईआर को डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन सीआरपीसी के सेक्शन 154 में बताया गया है कि कॉग्निजिबल ऑफेंस होने पर तुरंत एफआईआर लिखा जाना आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई भी अपराध घटित होता है और आप अपनी शिकायत को लेकर पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस आपकी शिकायत को दर्ज करता है, उसे लीगल टर्मिनोलॉजी में एफआईआर कहा जाता है। कोई भी गंभीर तरह का अपराध होता है तो पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन गंभीर तरह के अपराध होने पर भी जब आपकी पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे या फिर आपके साथ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस हो, यानी ऐसा अपराध जिसमें कि गंभीर तरह का कोई भी खतरा नहीं हो, और जब आप इस केस में कोर्ट में जाकर केस करते हैं, उसे लीगल टर्म में कंप्लेंट कहते हैं। कोई भी कॉग्निजिबल ऑफेंस होने पर पुलिस द्वारा एफआईआर लिखा जाना आवश्यक है। वहीं आपके साथ अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस हो या फिर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस हो, इन दोनों ही सिचुएशन में आप कोर्ट में कंप्लेंट केस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने एफआईआर और कंप्लेंट क्या होता है इसके बारे में जाना, इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है इसके बारे में जाना।